कोतवाली क्षेत्र के सिकरोड़ी गांव में सोमवार सुबह दोपक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। सूचना पर पहुंची यूपी पुलिस ने दोनों पक्षों से घायल हुए छह लोगों को अजीतमल सीएचसी में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान एक वृद्ध की मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने के साथ रिपोर्ट दर्ज की है। बताते हैं कि रविवार की रात भी दोनों पक्षों में शराब के नशे में खेत बेचने का दबाव डालने पर विवाद हुआ था। कोतवाली क्षेत्र के ग्राम सिकरोड़ी में संतोष कुमार व धर्मेंद्र के बीच सोमवार सुबह 9 बजे झगड़ा हो गया। मामला बढ़ने पर दोनों पक्षों के लोग इकट्ठा हो गए और एक दूसरे पर लाठी डंडे से हमला कर दिया। इसी बीच किसी ग्रामीण की सूचना पर यूपी 112 व कोतवाली पुलिस मौके पर जा पहुंची। पुलिस ने एक पक्ष से घायल संतोष कुमार, पत्नी मीरा और पुत्र राजू और दूसरे पक्ष से धर्मेंद्र, राजेश्वरी देवी पत्नी श्याम सिंह, राजीव पुत्र श्याम सिंह को सीएचसी अजीतमल में भर्ती कराया। वहां पर इलाज के दौरान संतोष की मौत हो गई। फिर डॉक्टर ने हालत नाजुक होने पर राजू, मीरा व दूसरे पक्ष से राजेश्वरी को सैफई और राजीव व धर्मेंद्र को जिला अस्पताल चिचोली रेफर कर दिया। क्या नाम है? दुकान रहते हो? श्याम सिंह सिकरोड़ी। क्या झगड़ा हुआ? कैसे क्या हुआ? अब तो बाहर से आए भाई के का काम आओगे। हम तो मैं भैंसी अब चारों रह रखते हैं, तो हमने सानी आनी कर दें। इतने में मुँह बताई थे खानी, तो हम गए। हम जैसे लड़कन को लड़का रू को लड़की नहीं, और इतने में का काम आओगे जो गोगा डालन गई है वो झोल दो। इनका क्या नाम है? राजेश्वरी। और उसका? उसका नाम धर्मेंद्र। ये लड़का है आपका? भतीजू। भतीजू। ये पत्नी है आपकी? हाँ पत्नी है। चलिए ठीक।